दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल में। आज के आपके सामने एक बार फिर से आज दिन भर की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को लेकर बताएंगे। आज की इस वीडियो में आपको सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, तो दोस्तों आपसे कहना कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपसे कोई भी काम की खबर मिस ना हो। आपको बता दें कि अगर आपने भी खुलवाया है जनधन खाता तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खबर निकल के आई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार ने 1 जून से कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। कौन से वो नियम है दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब 7 दिनों के लिए बढ़ाया गया और लॉकडाउन। वहीं आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों मौसम विभाग को लेकर बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। आपको बता दें कि कब दस्तक देगा मानसून, मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जारी की है। LPG गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। 1 जून से बदल जाएंगे गैस सिलेंडर के दाम और कुछ बदलाव भी किए गए हैं। कौन से बदलाव हुए हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ब्लैक फंगस को लेकर बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें कि हरियाणा में ब्लैक फंगस के 2 अलग अलग नए वेरियंट पाए गए। COVID-19 मरीजों के लिए बड़ी खबर। आपको बता दें कि बैंक इलाज के लिए देंगे 5 लाख रुपए तक का गारंटी मुफ्त ऋण। अलीगढ़ में जहरीली शराब से अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस बड़ी खबर के बारे में। सरकार 12 करोड़ छात्रों के खाते में सीधे ट्रांसफर करेगी पैसा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, तो आपसे कहना कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपसे कोई भी काम की खबर मिस ना हो। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे कहना कि अगर आप चाहते हैं कि हर ब्रेकिंग न्यूज आपको सबसे पहले मिले तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर ताजा खबर आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज सबसे पहले महामारी के लाइव अपडेट के बारे में। आपको बता दें कि कोरोना के संक्रमण में भारी गिरावट, 50 दिन में आए सबसे कम 1,52,000 नए केस। वहीं आपको बता दें कि 3,128 लोगों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि आंकड़े बात कर रहे हैं कि भारत में कोरोना का प्रकोप अब धीरे धीरे कम हो रहा है, हालांकि मौत की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,52,734 नए कोरोना केस आए और 3,128 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 2,38,000 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि पेट्रोल एवं डीजल की कीमत में आज फिर लगी आग, जाने अपने शहर में तेल की कीमतें। कोरोना संकट के बीच आप लोगों को आज भी महंगाई का झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल एवं डीजल की कीमत में इजाफा किया है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमत में 28 से 29 पैसे और डीजल की कीमत में 24 से 28 पैसे की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में आज पेट्रोल 94.23 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 85.15 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग को लेकर बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। आपको बता दें कि जानिए कब दस्तक देगा मानसून, मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की। आपको बता दें कि देशवासियों को पहली मानसून बारिश का बेसब्री से इंतजार है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी करके बताया है कि इस बार मानसून कुछ देर से केरल में पहुंचेगा। हाल ही में भारत में यास और तौकाते तूफान ने तबाही मचाई है। गैस सिलेंडर को लेकर दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। आपको बता दें कि 1 जून से बदलेंगे गैस सिलेंडर के दाम। देश में तेल कंपनियां हर माह गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की घोषणा करती हैं। ऐसे में 1 जून से आपकी रसोई गैस की कीमतों में फिर बदलाव होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहां फिलहाल 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर 809 रुपए में मिल रहा है। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि गैस सिलेंडर के दाम में 1 जून से 50 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। चूंकि तेल कंपनियां हर माह की 1 तारीख में गैस सिलेंडर की ताजा कीमतों के बारे में जानकारी देती हैं, लेकिन बीते माह 1 मई को गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया, इसलिए इस बार पूरी संभावना जताई जा रही है कि LPG गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा में ब्लैक फंगस के 2 अलग अलग तरह के वेरियंट मिले। हरियाणा में ब्लैक फंगस के 2 वेरियंट मिले हैं। हिसार के अग्रोहा स्थित महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की लैब में ब्लैक फंगस की 2 अलग अलग तरह के वेरियंट का पता लगाया गया। इनका व्यवहार और उपचार दोनों अलग अलग है। दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि अगर आपने भी खुलवाया है जनधन खाता तो मुश्किल वक्त में मिल सकती है इतनी रकम। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के आर्थिक मोर्चे पर कई क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। PM जनधन योजना के तहत खोले गए हर खाते में खाता धारक को कुल 1.30 लाख रुपए का लाभ मिलता है। इसमें दुर्घटना बीमा भी शामिल है। खाता धारक को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और इसके साथ ही 30,000 रुपए का जनरल इंश्योरेंस दिया जाता है। खाता धारक का एक्सीडेंट होने पर उसे 30,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं हादसे में उसकी मौत होने पर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। यानी इस तरह किसी भी जनधन खाता धारक को कुल मिलाकर 1,30,000 रुपए का फायदा मिलता है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना कर्फ्यू के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी। लखनऊ समेत 20 जिलों में कोई छूट नहीं। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है,
जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं, वहां कोई ढील नहीं दी जाएगी। 600 से कम केस वाले जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे। साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। 55 जिलों को छूट मिलेगी। लखनऊ समेत 20 जिलों में कोई छूट नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि सीएम योगी का बड़ा ऐलान, उत्तर प्रदेश में 15 जून से पटरी दुकानदारों व रिक्शा चालकों को लगेगी वैक्सीन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब प्रदेश के गरीब तबके से जुड़े लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने जा रही है। इसके तहत प्रदेश भर में 15 जून से अभियान शुरू होगा। इस अभियान में सब्जी विक्रेता, दूध विक्रेता, ऑटो टेम्पो और ई रिक्शा चालक, ठेला, खेमचा, रेहड़ी, पटरी व व्यवसायी शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के अधिकारियों की बैठक में गरीब तबके के लोगों को वैक्सीन लगवाने का निर्णय लिया है। कोविड-19 मरीजों के लिए बड़ी खबर, बैंक इलाज के लिए देंगे 5 लाख रुपए तक का गारंटी मुफ्त ऋण। लोग कोविड-19 का इलाज भली भांति करा सकें, इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 5 लाख रुपए तक का असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। दोस्तों, बढ़ते हैं इसी के साथ आज की अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि अलीगढ़ में जहरीली शराब से 83 मौतें। अलीगढ़ में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 83 लोग जान गंवा चुके हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने 71 शवों के पोस्टमार्टम होने की पुष्टि की है। मालूम चला कि जब अलीगढ़ में लोग जहरीली शराब से मर रहे थे, तब आबकारी मंत्री अपना जन्मदिन मनाने में मशगूल थे। तो दोस्तों, ये थी आज की मुख्य ब्रेकिंग न्यूज। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर ताजा खबर आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।